टू न्यू एपिसोड ऑफ सिंह ऑटो जोन। दोस्तों, जब भी हम फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी या फ्यूल सेल कार की बात करते हैं तो कुछ कंपनीज का नाम सामने आता है, लाइक टोयोटा, ह्युंडई और होंडा। ये पिछले कई सालों से फ्यूल सेल्स कार बना रही हैं। लेकिन जब हम बात करते हैं फ्यूल सेल ट्रक, तो एक कंपनी का नाम इस टाइम सबसे आगे आ रहा है। कुछ स्टार्टअप भी हैं जो इस पर काम कर रहे हैं, लेकिन अगर हम मेन स्ट्रीम कंपनी की बात करें तो यहाँ पर ह्युंडई का नाम सबसे ऊपर निकल कर आ रहा है। आज हम इस पर टॉपिक पर बात करेंगे, क्या अपडेट है ह्युंडई से जुड़ा, फ्यूल सेल ट्रक से जुड़ा क्या अपडेट है ह्युंडई से जुड़ा हुआ है। जो इसके अलावा कमेंट में अक्सर पूछा जाता है कि सर, हम कई बार अक्सर बात करते हैं कि फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक या फ्यूचर इज फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। इलेक्ट्रिक तो हमें दिखाई दे रहा है कई कंट्रीज में, इंडिया में लोग उसको अडॉप्ट भी कर रहे हैं, लेकिन व्हाट अबाउट फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी? क्या ये हमेशा फ्यूचर टेक्नोलॉजी ही रहेगी या कभी प्रेजेंट डे रियलिटी या आज की हकीकत भी बनकर ये टेक्नोलॉजी सामने आएगी? तो इस पर भी मेरा फोकस रहेगा। पहले अपडेट की बात करते हैं, फिर लास्ट में हम इस पॉइंट पर भी बात करेंगे। तो ओवरऑल इंपॉर्टेंट रहेगी वीडियो, काफी कुछ यहां पर आज आपको क्लियर होने वाला है, तो बने रहिएगा वीडियो के साथ अंत तक। तो चलिए शुरू करते हैं। ह्युंडई ने दुनिया का पहला मास प्रोडक्शन स्टार्ट कर दिया है। इनका जो फ्यूल सेल हाइड्रोजन फ्यूल सेल बेस्ड ट्रक है, जिसका नाम रखा गया एक्सेंट, उसको प्रोडक्शन मास स्केल पर तैयार कर दी है। और इसमें पूरा 190 किलोवाट यानी कि 190 किलोवाट का पूरा फ्यूल सेल सिस्टम रहेगा। एक्चुअली इसमें दो ड्यूल 95 किलोवाट ईच के फ्यूल सेल सिस्टम रहेंगे, 95 किलोवाट के दो रहेंगे, टोटल 190 190 किलोवाट की फ्यूल सिस्टम इसमें लगने वाला है। और एक्सेंट फ्यूल सेल ट्रक की जो खासियत है वो इसकी रेंज, एक बार फुल इसको चार्ज कह लें या रिफिल कह लें, उसके बाद ये 400 किलोमीटर तक कंटिन्यूस चल सकता है बिना किसी फुल लोड के साथ, कोई इसमें ऐसी दिक्कत नहीं है। इसमें टोटल 7 नंबर्स लार्ज टैंक लगे हैं, जिसमें जो हाइड्रोजन स्टोर की जाती है, तकरीबन टोटल 32 किलोग्राम ऑफ हाइड्रोजन इन टैंक्स में स्टोर की जाती है। और अभी स्टार्टिंग में 10 यूनिट्स को शिफ्ट किया गया है थ्रू शिप ह्युंडई कोरिया से, इसको स्विट्जरलैंड 10 यूनिट्स इनके ट्रक्स हैं जो इसको शिप करने वाला है। और इनका प्लानिंग है कि इस साल तक कम से कम 50 इन एक्सेंट फ्यूल सेल बेस्ड जो ट्रक्स हैं इनको स्विट्जरलैंड में भेजा जाए। उनकी ओवरऑल प्लानिंग है कि 2025 तक कम से कम 2000 यूनिट्स इन एक्सेंट फ्यूल सेल ट्रक्स को वो बनाने की प्लानिंग को लेकर चल रहा है। इतना ही नहीं, ह्युंडई हम सब जानते हैं नेक्सो इनकी फ्यूल सेल कार है, पिछले 10 साल से मार्केट में है, काफी एक्सपीरियंस है इनको इस गाड़ी से। लेकिन अगर मास स्केल फ्यूल सेल कार की बात करें तो वो है i35। ये इस मॉडल को ये मास स्केल पर एज ए फ्यूल सेल कार इसको इनकी प्रोडक्शन इन्होंने स्टार्ट कर दी है। इसके अलावा अगर हम सब जानते हैं कि ह्युंडई भारत की नंबर टू कार मैन्युफैक्चरर्स है, और अभी हाल में जो ऑटो एक्सपो है फेब मंथ में, उसमें भी इन्होंने अपनी नेक्सो जो फ्यूल सेल कार है उसको शो किया था। तो हम कह सकते हैं कि कहीं ना कहीं ह्युंडई भारत में भी एक्सप्लोर कर रहा है कि फिजिबिलिटी अगर कोई बनती दिखाई देगी तो बिल्कुल वो भारत में भी इसको लॉन्च करेंगे। इसके अलावा जो एक्सेंट ट्रक है, अभी फिलहाल उसकी 400 किलोमीटर रेंज है, लेकिन इनकी प्लानिंग है जिस पर एक कंपनी ऑलरेडी वर्किंग कर रही है और काफी नजदीक है 1000 किलोमीटर रेंज वाले हैवी ड्यूटी ट्रक पर कंपनी काम कर रही है। और ये एक बहुत बड़ा मील का पत्थर साबित होगा जिस दिन ये 1000 किलोमीटर रेंज वाला ट्रक फ्यूल सेल ट्रक लॉन्च कर दिया जाएगा। अब सीधा बात है, जो अपडेट मैं आपके साथ रखा है ये इसलिए रखा है ताकि हम जान सकें कि बाकी कंपनीज का मैं नहीं कहता, लेकिन ह्युंडई मैं कह सकता हूं कि जिस हिसाब से इनकी प्लानिंग चल रही है या ऑटो एक्सपो में नेक्सो को शो किया गया है, और एक दो बार ये इंडिया में ड्यूरिंग टेस्टिंग भी देखी गई है नेक्सो, तो मैं कह सकता हूं कहीं ना कहीं उनके माइंड में है कि वो भारत में इसको लॉन्च करे या ना करे। फिजिबिलिटी स्टडी कोई भी कंपनी है उस बिल्कुल करती है वो स्टडी, के वहां पर अगर वो लॉन्च करते हैं प्रोडक्ट वो कितना सक्सेस रहेगा, ये ठीक है, ये इनकी प्लानिंग का हिस्सा है, करना भी चाहिए। लेकिन मुझे उम्मीद है कहीं ना कहीं के बाकी कंट्रीज का तो नहीं, बट एटलीस्ट मैं ह्युंडई से उम्मीद करता हूं कि वो बहुत जल्द फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को भारत भी लेकर आएगी। इसके अलावा गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी काम कर रही है कि एक प्रॉपर पॉलिसी को तैयार किया जाए फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी को लेकर, क्योंकि मैं खुद मानता हूं कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स में हम हमेशा, बेशक हम कई कंपनीज बहुत अच्छा कर रही है टाटा महिंद्रा, लेकिन बट स्टिल हम काफी हद तक हमेशा डिपेंडेंट रहेंगे चाइना के, ये एक फैक्ट है। इसको हम माने या चाहे मैंने ये अलग बात है, लेकिन ये फैक्ट है। लेकिन जो फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी है अगर इस पर हम फोकस करते हैं, चाहे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की एजेंसीज हैं या प्राइवेट सेक्टर की जो मेन स्ट्रीम कंपनीज है लाइक टाटा मोटर्स, वो ऑलरेडी फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी पर काफी अच्छे से काम कर रही है। बकायदा उनकी जो इनके बस वो बना चुके हैं फ्यूल सेल बेस्ड, उसकी टेस्टिंग चल रही है, तो बहुत जल्द उम्मीद है अगर वो सक्सेस रहती है तो उसको फ्लीट में शामिल किया जाएगा। अगर मिलकर सभी काम करते हैं तो मुझे उम्मीद है कि ये
फ्यूचर टेक्नोलॉजी नहीं, एक प्रेजेंट डे की रियलिटी बन सकती है, आज की हकीकत बन सकती है। और वैसे भी सबसे बड़ा पॉजिटिव पॉइंट क्या है इन फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी का, कि जो हमारी डिपेंडेंस है चाइना पर इलेक्ट्रिक व्हीकल्स को लेकर, वो बिल्कुल नहीं रहेगी अगर हम अभी से इस पर काम शुरू करते हैं। कई कंट्रीज लाइक कोरिया, जापान, ऑस्ट्रेलिया, ये बहुत ज़्यादा फोकस कर रहे हैं फ्यूल सेल टेक्नोलॉजी। सिर्फ इलेक्ट्रिक कार, सिर्फ कार्स या ट्रक पर नहीं, फ्यूल जनरेशन या इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन या और अदर कई पर्पस के लिए इन टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जा रहा है। तो उम्मीद है कि बहुत जल्द इंडिया भी की पॉलिसीज इस पर शुरू की जाएगी, या टाटा से कोई अपडेट निकल कर आएगा तो आपके साथ शेयर करूंगा सबसे पहले। फिलहाल आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। लास्ट में रिक्वेस्ट है उन व्यूवर्स से जो फर्स्ट टाइम चैनल पर आए हैं, तो सब्सक्राइब बटन के साथ साथ आप बेल आइकन बटन को दबाना जरूरी है, ताकि आने वाले सभी अपडेट, चाहे वो इलेक्ट्रिक व्हीकल से हो, फ्यूल सेल से हो, लेटेस्ट बैटरी टेक्नोलॉजी हो या रिन्यूएबल एनर्जी से, आपको मिलते रहें सबसे पहले। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद वीडियो को अंत तक देखने के लिए। जय हिंद।